नमस्कार, श्रीराम पीजी महाविद्यालय 17 RB रायसे नगर के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं JR कड़ेला आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में बात कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, अपने आज जो क्लास हो रही है वो BA फाइनल की प्लस में BA BEd जो है उसकी फाइनल की क्लास और MA फाइनल की। MA फाइनल में जो हमारा या BA थर्ड ईयर या BA BEd थर्ड ईयर, तीनों में एक कॉमन बुक चल रही है जिसका नाम है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल बुक चल रही है, उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। देखिए भारत के भूगोल के अंदर अगर बात करें तो भारत के भूगोल के अंदर हमने बात कर ली थी भारत का सामान्य परिचय और भारत के भौतिक प्रदेश, ये हमारे दो पे बात हो गई थी, भारत का सामान्य परिचय और भारत का भौतिक प्रदेश। आज जो हम तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आप दो टॉपिक की जो वीडियो है मेरी, आप मेरी जो प्लेलिस्ट के अंदर जाके उसको डिटेल से देखिए इंडियन ज्योग्राफी की, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना जो सुझाव है या जो भी शिकायत है वो बता सकते हैं। देखिए कुछ हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई वीडियो में किसी भी प्रकार की कतई कोई कमी न रहे, लेकिन फिर भी ये चलते हुए प्लेटफॉर्म पे कई बार कोई चीज़ छूट जाती है तो आप उसको थोड़ा कमेंट में बताइए ताकि उसमें हम नए सुधार करने की कोशिश करें। आगे देखिए आज हम बात कर रहे हैं, हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास शुरू हो रही है आज वो है भारत का अपवाह तंत्र या बात करते हैं नदियां, भारत की नदियां, भारत का अपवाह तंत्र या भारत की नदियों के बारे में आज अपने विस्तार से बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की नदियों को और भारत के अपवाह तंत्र को जानना एक बेहद ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो भारत की भौतिक बनावट है वो एक समान नहीं होने के कारण, यहाँ विभिन्न प्रकार की पर्वत चोटियाँ, विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की नदियाँ अलग अलग दिशाओं में बहती है, तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करें और किस तरीके से उसको काम अपना वर्क करें ताकि वो अपने को आसान लगे और उसको समझने की कोशिश करें और ताकि जीवन में अपने काम आए, क्योंकि आज ये कंपटीशन भरा हुआ जो जमाना है इसमें नदियों को और भारत का जो भी ज्योग्राफी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न वो कहीं से भी बन सकता है, तो इसके लिए आप उस वीडियो को रोचकता से आराम से देखिए। आज हम बात करें अपवाह तंत्र। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र का अर्थ होता है नदियों का जाल। भारत की भूमि पर जो नदियों का जाल है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं, नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। आगे देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं कुछ कॉमन से शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पिछली क्लास में डेल्टा एस्चुरी के बाद डेल्टा और एस्चुरी के बारे में बात की थी, तो डेल्टा के बारे में मैंने आपको बताया था कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो ठोस मटेरियल होता है या हम कहते हैं जलोढ़ पदार्थ होते हैं उनके नदी मुहाने के ऊपर त्रिभुजा कर जो आकृति में जमा कर देते हैं उसे अपने क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अरब सागर के अंदर जो नदियाँ गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है, या हम उसको कह सकते हैं जवार नदमुख बनाती है, जबकि डेल्टा नहीं बनाती। तो देखिए अपने बात करें एस्चुरी, एस्चुरी क्या होते हैं, माने अपने कह सकते हैं सागर के अंदर, जहाँ पर सागर के अंदर जल का लवणीय भाग होता है, जल का लवणीय भाग होता है। देखिए जब लहरें आती, मैंने पहले बताया था आपको, लहरों के द्वारा कुछ मटेरियल होता है जो किनारों के ऊपर जमा कर देते हैं और किनारों में लहरों के साथ जल भर जाता है, लवणीय जल। जब वो लवणीय, तो लवणीय जल का एक स्थिर भाग होता है समुद्री तटों के ऊपर, लवणीय जल से भरा हुआ भाग होते हैं, उसके अंदर आके नदियाँ अपना मीठा जल डालती है। तो जब समुद्री का लवणीय जो जल होता है उसमें नदियाँ आके अपना मीठे जल को प्रवाहित करती है या डालती है उसे अपने क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। और अरब प्रायद्वीप से अपने सॉरी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो अरब सागर की जितनी भी नदियाँ वो सारी की सारी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आप
जब कभी भी आपसे पूछे कि नमनीमन में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो आप अरब सागर की नदी को पकड़िए। अरब सागर की जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती। आगे हम बात करते हैं, मैंने कुछ आपको शब्द बताने हैं। देखिए, सबसे पहले नदी की, नदी क्या होता है, फिर हम बात करते हैं नदी के बाद, नदी हो गया, फिर हमारा होगा झील क्या होती है, फिर हम बात करेंगे नहर क्या होती है, नहर को इंग्लिश में कैनाल कहते हैं, कैनाल, फिर हम बात करेंगे बांध क्या होते हैं, बांध की परिभाषा। देखिए, परिभाषा देखनी हमें पता जरूर है, लेकिन एक परिभाषिक शब्दावली के अंदर उसको क्या कहते हैं वो देखिए, बांध क्या होता है, फिर ये हमने हो गया, फिर होता है द्रोणी क्या होता है, द्रोणी सहायक नदी, सहायक नदी, मुख्य नदी, मुख्य नदी, फिर आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी, फिर हम बात करते हैं अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, और एक अंतिम जो होगा वो हमारा हो गया दो आप। ये हमारे परिभाषिक शब्द हैं, इनके बारे में अपने बात करते हैं डिटेल से, और फिर अपने भारत की नदियों को शुरू करेंगे। देखिए, ये कुछ शब्द हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। नदी, नदी की परिभाषा क्या होती है, नदी क्या होती है, तो देखिए, धरातल पर, धरातल पर, धरातल पर प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से बहते हुए, रूप से बहते हुए जल को, जल को नदी की संज्ञा दी जाती है। धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहते हुए जल को क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहते हुए जल को नदी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि खाड़ी क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है, तो उसी प्रकार यही है, थोड़ा सा शब्दों में अंतर है। आगे हम बात करते हैं, धरातल पर, धरातल पर जल के, धरातल पर जल के ठहराव को, ठहराव या एकत्रित, जो एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित, धरातल पर जल के ठहराव को या जल इकट्ठा हो जाता है एकत्रित को झील कहते हैं। देखिए, धरातल के ऊपर जल आके रुक जाता है, तीन और ऊंची भूमि होती है या ऊंची आसपास की ऊंची भूमियों के बाद में आके जल रुक जाता है। देखिए, सड़क के ऊपर एक गड्ढा होता है, सड़क, हम जिस सड़क से गुजर जाते हैं उस पर कई गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढों में बरसात का पानी भरा हुआ रहता है, सड़क साफ होती है, तो उसको अपने एक झील का उदाहरण मान सकते हैं। तो देखिए, चार और चारों ओर ऊंची भूमि होती है, लेकिन कहीं अगर निम्न भूमि है तो बरसात का पानी उस निम्न भूमि में आके रुक जाता है, तो धरातल पर जल के ठहराव को झील कहते हैं। और ये जो झील होती है ये कई प्रकार की होती है। देखिए, एक होती है प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झील जो प्रकृति के द्वारा अपने आप बन जाए, प्रकृति के द्वारा। एक है कृत्रिम झील, कृत्रिम झील, कृत्रिम जो झील होती है वो क्या होती है, मानव के द्वारा बनाई जाती है खुदाई करके। फिर आ जाता है स्थाई झील, स्थाई झील जो 12 मासी उसमें पानी रहता है, 12 महीने लगातार, वर्ष भर जो झील में पानी रहता है, कभी सूखता नहीं है, वो स्थाई झील है। और फिर आती है मौसमी झील, जब वर्षा ऋतु में ही पानी होता है लेकिन बाकी में उसमें पानी नहीं रहता, सूख जाती है, तो वो मौसमी झील हो गई। तो नदी बता दी मैंने और झील बता दी। आगे हम बात करते हैं नहर। तो नहर क्या होता है, देखिए, धरातल पर, धरातल पर मानव, मानवीय प्रयास द्वारा, मानवीय प्रयास द्वारा जल को एक स्थान से, एक स्थान से, एक स्थान से जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, पहुंचाना
नहर कहलाता है, नहर या कैनाल, इसको इंग्लिश में कैनाल कहते हैं, नहर को कैनाल कहते हैं। तो देखिए धरातल के ऊपर मानवीय प्रयास के द्वारा पहले नदी होगी, नदी के आगे वो क्या करेगा, बांध बनाएगा, बांध बना के नदी के जल को रोकेगा, रोकने के बाद वो एक नाली नुमा धरातल पर नाली खोदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी लेके जाएगा और मानवीय प्रयास होगा उसमें, मूल रूप से क्या होगा, मानवीय प्रयास होगा उसमें। टेक्निकल जमाना जैसे आज खुदाई करने वाली मशीनें आ गई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मानवीय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें हिस्सा होगा। तो हम कह सकते हैं धरातल पर मानवीय प्रयास के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी पहुंचाना नहर या कैनाल कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण अगर उदाहरण लें तो भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर जो है उसे कहते हैं आई जी एन पी। इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना और इसका पूर्व नाम था, प्राचीन जो नाम है उसे कहते हैं राजस्थान नहर कहते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, देखिए राजस्थान के अंदर राज कैनाल प्रसिद्ध है, लेकिन गंगानगर जिले के अंदर जो नहर प्रसिद्ध है वो गंग कैनाल है। ठीक है, IGNP नहर है ये जो सबसे लंबी नहर, पहले राजस्थान कैनाल थी, राज कैनाल के बाद में 1984 में जब इंदिरा गांधी के सुर्गवास होने के बाद उसके यादगार में IGNP नाम कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। और ये जो नहर है ये जो हनुमानगढ़ में और उसके बाद श्री गंगानगर जिले में, जैसलमेर में, बाड़मेर में एग्रीकल्चर की दृष्टि से या पेयजल की आपूर्ति से बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है। इसके अलावा चूरू के बाद नागौर के बाद जोधपुर और कुछ गुजरात के हिस्से तक इसमें पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो हम बात करते हैं IGNP जो नहर है वो बहुत ही मोस्ट नहर है, उसे नहर या कैनाल कहते हैं। फिर हम बांध कहते हैं। तो नदी जल के आगे, नदी जल जो धरातल पे प्राकृतिक रूप से जल बह रहा है, नदी जल के आगे बाधा उत्पन्न कर नदी जल रोकना क्या कहलाता है, बांध कहलाता है। मैंने आपको बताया था जैसे सतलज और व्यास नदियों जहाँ पे मिलती है वहाँ पे उसके आगे भाखड़ा नागल बांध बनाकर उसको रोका गया है। तो रोका गया मैंने वहाँ पे जल भंडारण किया गया, जल भंडारण करके वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो बांध जहाँ भी आए, तो बांध का अर्थ है नदी जल को रोकना। फिर आते द्रोणी, द्रोणी होती है नदी का मूल पाटा जिसके अंदर नदी बहती है। जैसे आपने नहर देखी है, तो नहर देखी है ना, नहर तो जिसमें नहर का पानी होता है पूरा, जिसमें पानी में डूबी रहती है तो वो नहर की द्रोणी होती है। उसी प्रकार जिसमें नदी के अंदर दोनों ओर बांध होती है, बीच में नदी का पानी रहता है तो वो नदी का क्या हो गया, मूल पाटा हो गया। फिर आता है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र माने मूल पाटे के अलावा भी नदी का पानी कहाँ कहाँ तक एग्रीकल्चर दृष्टि से या कहाँ कहाँ तक लोग उसको पानी को पहुँचा देते हैं। एक नदी का बाढ़, अगर नदी में उसमें बाढ़ आ जाए तो उसका पानी कहाँ तक पहुँच सकता है, वो उसका क्या होता है, अपवाह क्षेत्र। ठीक है, फिर आती है नदी, मैंने बता दिया सहायक नदी क्या होती है, जो नदी महासागर तक अपना जल नहीं ले जा पाती, इसलिए वो अपना जल अन्य नदी में छोड़ देती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। एक नदी के अंदर एक नदी है जो अपना जल दूसरी नदी को दे देती है, वो क्या होती है, सहायक नदी होती है। और मुख्य नदी क्या होती है, मुख्य नदी जो नदी महासागर तक अपना, या जो नदी अपना जल महासागरों में विसर्जन करती है।
ठीक है, विसर्जन करती है, वो मुख्य नदी होती है। और या सभी नदियों का पानी ले जाकर सागरों में डालती है, तो वो मुख्य नदी होती है। आंतरिक प्रवाह की नदी, वे नदी जिनकी जल की मात्रा और उसकी लंबाई बहुत ही कम होती है, जिनकी जल की मात्रा कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, नदी न तो अन्य किसी नदी में अपना जल डाल सकती है और ना ही वो महासागर तक पहुंच सकती है, लेकिन रास्ते में ही मरुस्थलों में या रास्ते में ही वो विलुप्त हो जाती है, उसे आंतरिक प्रवाह की नदी कहते हैं। अपवाह क्षेत्र हो गया, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। तो ये हमारे मुख्य शब्द है। आगे हम बात करते हैं भारत की नदियों की, भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं। तो भारत के नदियों को करने के लिए हम उसको एक अच्छे तरीके से समझने के लिए भारत की नदियों को हम जो है नदियों को डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए भारत की नदियां, भारत की नदियां। तो देखिए भारत की नदियों को अगर बात करें और हमें एक सूक्ष्म अध्ययन करना है, इसलिए हम भारत की नदियों को दो भागों में पहले बांट लेंगे। एक आ जाएगा हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार से, यह हम कह सकते हैं दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक है, तो हम देखिए भारत की नदियों को, देखिए मैंने पहले भी आपको बता दिया भारत की जो भौगोलिक बनावट है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होने के कारण, भिन्न भिन्न प्रकार की होने के कारण भारत के संपूर्ण भाग से कहीं ना कहीं से कोई नदियां निकलती रहती है। और एक बात ध्यान रखना, इन नदियों को एक एक करके पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम नदियों को कैसे पढ़ेंगे, एक ऐसे सिस्टम से पढ़ेंगे ताकि भारत की सारी नदियाँ आ जाए। तो हमने भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। क्या बांटा है दो भागों में, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। अब आगे और इसका डिवाइड कर देते हैं, यहां हमारा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, और यहां हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। तो ये हमने एक प्रायद्वीपीय पठार का सूक्ष्म अध्ययन कर लेंगे, अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियां, बे ऑफ अरब सागर, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। यहां हम क्या करेंगे, इन नदियों को तीन भागों में बांटेंगे। और तीन भागों में बांटने पर हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। एक आएगी सिंधु अपवाह तंत्र की नदियां, सिंधु अपवाह तंत्र की नदियां, यहां कहने का अर्थ हो गया सिंधु और सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारी इसमें सिंधु अपवाह तंत्र में आ जाएगी। फिर आ जाएगा गंगा अपवाह तंत्र की नदियां और गंगा की सहायक जो नदियां हैं सारी की सारी इसमें आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र
अपवाह तंत्र की नदियां। तो हमने जो भारत की मुख्य नदियों को पढ़ना है वो इस सिस्टम से पढ़ना है और एक एक को लेके आएंगे। सबसे पहले भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया, हिमालय से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां दो भागों में हो गई। फिर बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु और सिंधु अपवाह तंत्र, या सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां जो है वो सिंधु अपवाह तंत्र का भाग हो गई। फिर हम बात करेंगे गंगा अपवाह तंत्र, गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो पढ़ लेंगे। फिर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र और उसकी जितनी भी सहायक नदियां, वो ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र हो गया। तो हम एक एक तंत्र को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सारी नदियों को पढ़ेंगे, बड़े डिटेल से पढ़ना है ताकि आप भी उस वीडियो को रोचकता से देखते रहिए। आगे देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे एक को कर लेते हैं कोई भी, क्योंकि पढ़ना तो अपने को सभी है, और लेकिन कोई भी एक शुरू कर लेते हैं एक सिरे से ताकि आसानी से वो लपेटते हुए अपने काम आए, क्योंकि ख़त्म भी करना है अपने को। देखिए सबसे पहले अपने आज शुरू कर रहे हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। याद रखिए हिमालय, मैंने बताया था पहले भी आपको, भारत के भौतिक विभाग में जब मैंने हिमालय करवाया था तो बताया था हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर, बर्फ का घर। हिम प्लस आल्य माने बर्फ का घर होता है, हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। और मैंने आपको बताया था यहाँ जो बर्फ बन रही है वो किसके कारण बन रही है, उच्चावच के कारण। उच्चावच के कारण क्या होता है, तापमान कम होता है और वो 0 डिग्री टेम्परेचर से कम होते ही वहाँ पे जम जाता है। तो यहाँ पर बर्फ कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, एक स्थायी हिम है एक अस्थायी हिम है, स्थायी और अस्थायी हिम। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं, देखिए जब हिमालय के ऊपर बर्फ जमती है तो बर्फ जमने पर क्या होता है, जब सूर्य दक्षिणायन चला जाता है तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत न्यून हो जाता है और हिमालय के ऊपर बर्फ जमती है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारे मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण की ओर आना शुरू होता है, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा को क्रॉस करके उत्तर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे भारत के अंदर गर्मियां बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब गर्मियां बढ़नी शुरू हो जाती है तो यहाँ पर जल की जो पिघलने की मात्रा है वो बढ़ जाती है और यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती है। तो जब यहाँ पर नदियाँ निकलती है तो क्या होता है, देखिए जब यहाँ पर नदियाँ अपना जल पिघलेगा, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलने के बाद में एक बात ध्यान रखना, जो मुख्य नदियाँ जो निकलती है वो ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं और ग्लेशियर की बर्फ पिघलने के बाद में यहाँ पर नदियाँ निकलती है। पहले भी मैंने आपको बताया था पहले बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलने के बाद उसका जो जल बनता है वो ढाल के अनुरूप बहना शुरू होता है, और जहाँ से ढाल के अनुरूप जल बहना शुरू होता है वो नदी का जन्म स्थान होता है। कहीं ना कहीं कोई भी नदी हो, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई जन्म स्थान होगा, उद्गम स्थल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वो नदियाँ आगे बढ़ेगी, बढ़ने के बाद में अपने साथ अन्य नदियों को मिलाती हुई वो कहीं ना कहीं जाके गिरेगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि आप इतना ध्यान रखना कि हमारी जो सिंधु नदी तंत्र है वो भी एक अरब सागर का भाग है, और हमारा गंगा जो है या ब्रह्मपुत्र जो है वो हमारी बंगाल की खाड़ी का तंत्र है। मैंने प्रायद्वीपीय पठार का बताया, लेकिन हिमालय से निकलने वाली भी नदियां कहीं ना कहीं जाके गिरती है। तो हमारी सिंधु और सिंधु का अपवाह तंत्र है वो हमारा अरब सागर का अपवाह तंत्र है, और जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये हमारी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। आगे हम बात करते हैं, देखिए सिंधु नदी तंत्र, देखिए सिंधु नदी तंत्र, आज हम बात करें शुरू करें सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में क्या आएगी, सिंधु नदी और प्लस में उसकी सहायक नदी, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां आ जाएगी, सहायक नदी। देखिए सिंधु और सिंधु की सहायक नदी जो है उसके बारे में अपने बात करेंगे, और एक ध्यान रखना मुख्य रूप से हम जो बात कर रहे हैं वो इंडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, हम इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ इतना है कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन इंडिया के बाहर कौन सी नदी आके मिलती है वो अपने डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ रिवर्स जो है वो इंडिया की पढ़ रहे हैं। तो इंडिया की नदियों के ऊपर ध्यान दीजिए, सिंधु और सिंधु की सहायक नदी, सिंधु और सिंधु की सहायक नदी। देखिए सिंधु जो मुख्य नदी है, सिंधु क्या है, मुख्य नदी है जो अपना जल अरब सागर में डालती है,
ठीक है, जो अरब सागर में अपना जल डालती है। यहां इसकी पांच मुख्य नदी आती है, भारत के अंदर पांच मुख्य नदी है। पांच नदियों में कौन सी है, देखिए झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। कई इसको सतलुज कहते हैं, सतलज। देखिए हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र में, सिंधु और सिंधु की पांच सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। और इसके बारे में अपने जो बात करेंगे वो पहले एक मैप पर बात करेंगे, मैप बनाएंगे और मैप के द्वारा आपको बताएंगे कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखिए हमने ये बनाया है उत्तर भारत का नक्शा। देखिए यहां है सिंधु का, सतलज का और ब्रह्मपुत्र, तीनों का उद्गम क्षेत्र, थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन तीनों यहीं से निकलती है, तीनों नदियां यहीं से निकलेगी, यहां से ये बहेगी और ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी यहाँ बहने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये हमारी बॉर्डर है। और इसके बाद ये बहने के बाद नीचे ये कराची के पास जाके अरब सागर में मिल जाती है, तो ये हमारी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु, सिंधु नदी, इसी ग्लेशियर के यहाँ से निकलेगी और ये नदी यहाँ जाती है और इधर इंडिया में प्रवेश कर जाएगी। ये नदी है ब्रह्मपुत्र, इसी ग्लेशियर से यहाँ से नदी निकलती है और ये नदी यहाँ आएगी और आखिर अंत में ये यहाँ सिंधु से मिल जाएगी। ये है सतलज नदी, सतलज नदी। तो इसके बारे में अपने बात करेंगे कल, सिंधु नदी तंत्र के ऊपर बात करेंगे विस्तार से। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना वीडियो रोचकता से देखते रहिए और आनंद के साथ देखिए, ताकि आपका जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो आपका काफ़ी मजबूत हो सके। धन्यवाद।